नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस वक्त मौजूद हूँ भाई खेदड़ गांव के अंदर, खेदड़ गांव की गौशाला के अंदर मौजूद हूँ। सबके लगातार फ़ोन भी आने लग रहे हैं और कमेंट भी आने लग रहे हैं पीछे वाली वीडियो के ऊपर कि आज का जो है टाइम दिया गया था, जो साथी अंदर हैं उनको छोड़ने के लिए आज का समय दिया गया था और जब वो शामिल होंगे तभी जा करके अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जो है कल फैसला हुआ था प्रशासन के साथ, आज जो है कमेटी अंदर गई थी, उनसे मिल करके भी आई है और आज कुछ कागज़ कार्रवाई थी उसके लिए भी गए थे। रवि आज़ाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब, जो कल प्रशासन के साथ बातें हुई थी कि कल तक जो अंतिम संस्कार हो जाएगा उन साथियों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज अभी तक कोई अंतिम संस्कार नहीं किया गया, क्या कुछ रहा आज पूरी प्रक्रिया बताओ। देखिए, जो जमानत की प्रक्रिया थी, कल जो प्रशासन के साथ समझौता हुआ उस अनुसार जो हमारी ओर की जो जिम्मेदारियाँ थी आज वो पूरे दिन में पूरी करी गई है और जमानत की अप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई है। पुलिस को कोर्ट से नोटिस जारी हो गया है, सुबह उनको कोर्ट में जवाब देना है, उसके बाद जमानत का रास्ता साफ होगा। और जैसे ही हमारे चारों युवा साथियों की जमानत होगी उसके बाद शहीद धर्मपाल सारण जी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरे मान सम्मान के साथ शुरू किया जाएगा। अगर मैं बात करूं, आपने बताया कि भाई कल तक ये प्रक्रिया पूरी होगी, बात तो पूरी कंप्लीट इस मामले को रफा दफा करने की बात थी जी, अब बैल की बात कहाँ से आ रही? देखिए, बात यही हुई थी कि जो नॉन बेलेबल धाराएं हैं उनको बेलेबल में कन्वर्ट करके और उनकी जमानत करवाई जाएगी और अगले 15 से 20 दिन में इस पूरे मामले को रफा दफा किया जाएगा। जैसे ही इन साथियों के जमानत का जवाब पुलिस अपने जवाब में कोर्ट में देगी तो उससे सारी स्थिति साफ हो जाएगी और उसी उनके जवाब के अनुसार जो आगे की हमारी रणनीति है वो तय रहेगी। जो पुलिस जवाब देगी उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी जी। अगर मैं बात करूं, आप उन युवाओं से जो अभी अंदर है उनसे भी मिल करके आए हैं, उनके आज के जो हालात, उनका स्वास्थ्य किस प्रकार है? देखिए, वो बिल्कुल ठीक हैं और चारों साथियों से पूरी कमेटी के सदस्य मिल करके आए थे और बहुत जल्दी वो हमारे बीच में होंगे, इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और इस पूरे आंदोलन की, खेदड़ गाँव के इस आंदोलन की ऐतिहासिक जीत हुई है, ये ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। और मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से कि शहीद धर्मपाल सारण की जो शहादत है और खेदड़ गाँव की जो गौ के प्रति जो सेवा है उसने पूरे हरियाणा में और पूरे देश में एक नज़ीर पेश करने का काम किया है, ये गौ सेवकों का गाँव है जी। सरपंच साहब, आज उम्मीद थी कि आज अंतिम संस्कार होगा, 6 दिन आज कम्प्लीट हो गए हैं, कल कि अगर हम बात करें तो क्या आपको क्या लगता है कि कल अंतिम संस्कार हो सकता है? हाँ, उम्मीद है, क्योंकि आज जो जमानत की प्रक्रिया थी वो हमने वहाँ जाकर अपनी फाइल वकील साहब के माध्यम से लगी और वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली और सुबह का नोटिस प्रशासन के पास हमने भेज दिया। सुबह जब ही कोर्ट का समय होगा उस टाइम वो अपनी वहाँ फाइल पेश करेंगे और उसके बाद उसकी जमानत की प्रक्रिया हो जाएगी, उम्मीद ये है। दोस्तों, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आप पूरी जानकारी आपको देने का काम करते हैं किस प्रकार से जो मामला चला हुआ है। आज 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, अगर मैं उस दिन की भी गिनती करूं तो 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि उस समय से अब समय निकल चुका, वो दिन भी गिनती किया जाए तो 7 दिन हो गए। सरपंच साहब, जो है बहुत बड़ी महापंचायत हुई, उसके बाद एक फैसला हुआ कि हमारे जो साथी गिरफ्तार है उनको छोड़ दिया जाएगा, आज का दिन था लेकिन आज उनको नहीं छोड़ेगा, आप भी साथ गए हुए थे, प्रशासन के तेवर जो है क्या जो फैसला था उसके ऊपर उसी प्रकार दिखाई दे रहे हैं या कुछ आपको दिखाई दे? प्रशासन ने जो वादा किया था प्रशासन के तेवर ठीक ठाक है, सकारात्मक है। आज जो इसकी प्रक्रिया थी उसके बारे में हमने हमारे वकील से भी मिले, वकील से हमने प्रशासन को भी मिलवाया, उन्होंने बताया भाई धाराएं ऐसे जैसे तर्क की जाएगी वो 304A 279 में तर्क की जाएगी और कल हमारे साथी जो अंदर है उनकी जमानत हो जाएगी, उसके जमानत होने के बाद हम दाह संस्कार कर देंगे। रवि भाई, जो साथी मतलब लाइव भी जुड़ रहे हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, वो साथी ये जानना चाहते हैं कि कल लगभग आपके हिसाब से किस टाइम तक जो है दाह संस्कार की प्रक्रिया? देखिए, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लगातार हमें भी फ़ोन आ रहे हैं और सभी साथियों को फ़ोन आ रहे हैं कि सब लोग धर्मपाल सारण जी के अंतिम संस्कार में हरियाणा के अलग अलग कोणों से अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं। जैसे ही हमारे इन चारों साथियों को जमानत मिल जाएगी उसके बाद आपके माध्यम से
से अंतिम संस्कार का समय हम बताएंगे, ताकि जो जो लोग अंतिम संस्कार में शहीद धर्मपाल सारण के शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकें। आपके माध्यम से समय से सूचना पब्लिक को दी जाएगी। और हमारा क्योंकि जिस हिसाब से आज कागजों की प्रक्रिया चली है, तो उस हिसाब से हमें 100% उम्मीद है कि कल हमारी जमानत की प्रक्रिया, कल हमें जमानत हमारे चारों साथियों को मिलेगी, और जमानत मिलते ही धर्मपाल सारण जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और तुरंत सूचना भी देंगे। और जो जो साथी, चाहे हमारा कोई किसान है, युवा साथी है, जो भी है, चाहे कोई गौ भगत है, वो यहाँ पहुँचें और धर्मपाल सारण जी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर के उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। जी दोस्तों, आज जो है डॉक्यूमेंट पूरे करने में आज इतना समय लगा है, इस कारण से आज जो है अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और जो अंदर थे वो साथी भी नहीं पहुंच पाए आज। तो कल जो है अंतिम संस्कार हो सकता है। जितने साथी आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको मैं ये आज की जो अपडेट है वो देना चाहता हूँ कि कल अंतिम संस्कार हो सकता है, क्योंकि आज जो कमेटी प्रशासन से मिला था, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय।